Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing last question of exercise 9.2 of circles. So, चलिए देखते हैं. Question is, a circular path of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो क्या गिवन है हमें, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है. वहां पे थ्री बॉयज हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं. अब देखिए, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो दैट मींस वो ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. और अपने पास तीन पॉइंट्स बन रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सो दैट वुड बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहां हम ड्रॉ कर लेते हैं अंकुर ए एस सैयद एंड डी फॉर डेविड. सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? ओके. तो अब इस हमें पता करना है लेंथ क्या है. यहां से ये जो बात कर रहे हैं स्ट्रिंग का, या फिर ये जो डिस्टेंस है ए एस या एस डी या ए डी, कितना डिस्टेंस है. यहां गिवन है रेडियस, कितना गिवन है 20 मीटर. तो ये सेंटर है इसका ओ. ओके, तो अगर हम यहां से इसको मीट कर दें, दिस वन, ठीक है, तो ये हो गया रेडियस. दिस इज 20, दिस इज 20 एंड दिस इज आल्सो 20. अब हम इस ए ओ को फर्दर एक्सटेंड करेंगे और एस टी पे मीट करेंगे. अब देखिए, ये हमने बना दिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट एम. अब ये जो डिस ये है एस एम और एम डी, ये अब इक्वल होंगे. कैसे? इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड दूसरी सामने वाली ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करें तो वो जो अल्टीट्यूड है वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मीन्स लेट्स से ए बी सी से ट्राइंगल, बी वर्टेक्स से हमने एक हाइट ड्रॉ की ए सी के ऊपर, तो ये इसको डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट्स में. सिमिलरली सी से ड्रॉ किया तो ए बी को इक्वल पार्ट्स में करेगा, अगर ए से ड्रॉ करेंगे तो वो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो इसीलिए एस एम इक्वल टू एम डी है, राइट? नाउ वन मोर थिंग, जब एक सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मीडियंस पास कर रहे हैं सेंटर के बीच में, तब एट दैट टाइम दैट सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड. वो बोलते हैं सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड मतलब सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये जो हमने हाइट्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं, जैसे कि एस ओ, ठीक है, या फिर ओ डी, अगर हम इसको फर्दर इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, या ए ओ को हमने एक्सटेंड किया, तो ओ इज नाउ द सेंट्रॉइड. अब इसका यूज क्या है? ओ सेंट्रॉइड है और ये एक प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड उस हाइट को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं. मींस दिस, जैसे कि ये वन है, ये सेंट्रॉइड है, तो दिस साइड इज 2 एंड दिस इज 1. नाउ दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, इस तरह से 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं. अब हमारे इस क्वेश्चन में भी ये ओ सेंट्रॉइड है और ओ एम यहाँ पे हाइट एस डी के ऊपर है, ठीक है, तो सेंट्रॉइड इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर, राइट? तो ये 2:1 है, तो अब हम लिख सकते हैं ए ओ इज टू ओ एम इज टू 2:1, राइट? तो ए ओ तो 2 है, सॉरी ए ओ इज 20, ए ओ रेडियस है तो इट्स 20, या हम रेशियो को पहले डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन ओ एम इज इक्वल टू 2:1. तो नाउ ए ओ इज 20 क्योंकि ये रेडियस है, ओ एम हमें पता नहीं है, अपॉन लाइक दिस. तो ओ एम कितना हो जाएगा, इट्स 20:2, दैट इज 10, ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू ये 10 आ गई है. नाउ दिस इज 10, दिस इज 20, सो कैन वी फाइंड आउट द एस एम यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम? यस, लेट्स डू इट. एस एम सॉरी ओ एस का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रपेंडिकुलर है, तो प्रपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज,
OS का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर. सो ओ एस इज 20, स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम इज 10 एंड एस एम हमें नहीं पता. तो 400 इज इक्वल टू 100 प्लस एस एम स्क्वायर, एस एम स्क्वायर आ गया है 300. ओके, तो एस एम इज इक्वल टू रूट 300. ठीक है, तो 300 को वी कैन राइट 30 इंटू वी कैन राइट इट्स 30 इंटू 10, या फिर 30 को फर्दर 3 इंटू 10 इंटू 10. तो 10 10 का पेयर बाहर आ गया, सो इट बिकम 10 रूट 3, राइट. तो एस एम इज 10 रूट 3. अगर एस एम 10 रूट 3 है, मैं यहाँ यहीं पे इसको सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पे कर ली. सो एस एम इज 10 रूट 3. ठीक है, दिस वन एंड एस एम और एम डी इक्वल है, सो एम डी इज ऑल्सो 10 रूट 3 एंड एस डी डिफरेंस पता कर ले तो बाकी सारे तो इक्वल ही है. तो एस डी इज इक्वल टू एस एम प्लस एम डी. तो 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, सो इट विल बिकम 20 रूट 3. सो दिस इज द डिस्टेंस, the length of the string of each phone, or we can see the distance between these three people, right? So we have done the exercise 9.2. next time karenge next exercise. Sab tak ke liye keep watching. Thank you and bye bye.